आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की चर्चा का विषय जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्रिटिक ऑफ मेंटल इश्यूज इन संस्कृत शास्त्रीय मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी कि संस्कृत शास्त्रीय चिकित्सकीय ज्योतिष शास्त्र में जो मनो विज्ञान है या अंतःकरण है, उस विषय जो मीमांसा है कि मन को लेकर के हमने जो मीमांसा करनी है, मन को कैसे समझें और मन की जो विभिन्न वृत्तियां बनती हैं, उसकी उसके जो विभिन्न प्रकार के हमें रूप देखने को मिलते हैं, उस सारे विषय को हमने समझने का आज प्रयास करना है। लेकिन ये जो आप अपनी स्लाइड में ऊपर देख पा रहे हैं विषय को, उसमें मुझे एक दो बातें आपसे कहनी है कि यहाँ ये जो शब्द आप देख रहे हैं अंतःकरण और मन, दो हमने इस्तेमाल किए हैं। सामान्य रूप से जब आप साइकोलॉजी का या माइंड का आप प्रयोग करते हैं तो उसका जो साधारण रूप से आप अर्थ हिंदी में करते हैं परंपरागत, वो मन कर देते हैं। लेकिन मन अपने एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, वो सारे के सारे अन्य तत्वों को संग्रहित नहीं करता, उसमें समाहार नहीं हो पाता। इसलिए मैंने अंतःकरण शब्द यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब जैसे हम विषय का विस्तार करेंगे तो आप देखेंगे वो बात केवल मन की ही नहीं रह जाती, वो आगे बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपकी धी, शेमुषी और इस तरह के लगभग 21 के करीब जो शब्द हैं, टर्म्स हैं, उनको भी वो अपने में व्याप्त कर लेती है। तो इसलिए इस विषय को जब हम लेंगे, भारतीय मनोविज्ञान के विषय को लेंगे और उसके मॉडल्स पे जब चर्चा करेंगे, तो ये सारा विषय उस वक्त हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, उसका जो अर्थ है वो उचित है या उसका अर्थ अंतःकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारा जो संबंध है वो केवल जो चिकित्सकीय ज्योतिष शास्त्र है उसके माध्यम से हमारा जो मन है उसको समझने का प्रयास है कि कैसे हम उसको समझें, कैसे उसको अप्रोच करें और कौन सी स्थितियों में, कौन से योग होने पर किस तरह का हमारे मन की स्थितियां बनती हैं, वो सारा आज हमारे मुख्य वक्ता हमें स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम दो तीन बातें देख लें कि एक तो ये चर्चा करना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएनओ ने जो हमें एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है, बड़ी लूज लेकिन बहुत व्यापक सी उन्होंने डेफिनेशन दी है, उसको भी देख लें और अपनी परंपरा को भी देख लें। एक सेकंड, ये यहाँ कुछ ओके, चलिए। तो यहां पर उन्होंने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी, ये उनकी परिभाषा है। और इसके अंतर्गत जो उन्होंने कहा है माइंड को लेकर के, जिसको लेकर के सारी दुनिया परेशान है, वो है मेंटल हेल्थ इज द कैपेसिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू फील, थिंक एंड act in ways that enhance their ability to enjoy life and deal with challenges. ये उनकी मानसिक स्वस्थता की परिभाषा। अब आप अपनी परिभाषा को जरा देख लीजिए, तभी हम अग्रसर होंगे। हमारे यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है शुक्ल यजुर्वेद में, पश्येम श्रद्धा शतम, जीवेम श्रद्धा शतम, शुणुयाम श्रद्धा शतम, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, मदीना श्याम श्रद्धा शतम, भूयश्च श्रद्धा शतात्। 100 वर्ष तक मैं जीऊं, और 100 वर्ष तक कैसे जीऊं, जिसमें मेरी इंद्रियां भी स्वस्थ रहे। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो मंत्र में दी गई जो परिभाषा है वो ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा सटीक है, बजाय इसके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसमें स्वस्थता शब्द में ही अपने आप में पूरा एक दर्शन वहां पर आपको विद्यमान दिखाई देता है कि स्व में स्थित है, कि ये जो मेरी इंद्रियां हैं मेरे शरीर में स्थित हैं और मेरा जो शरीर है जो मुझे दिया गया है वो मेरी चेतना में स्थित है। तो अगर इतना हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हमें, हमारा आचार व्यवहार जो है वो बहुत कुछ बदल जाएगा
और हम बहुत प्रकार के दुखों से मुक्त होंगे। लेकिन इस सब के बीच में जो स्वस्थता में आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं को समझने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और विशेष रूप से उसमें से जिसे आप आदि के नाम से जानते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि मन, जो मन है, उसकी स्वस्थता में बाधक क्या होते हैं। हमारा मन कभी जड़ हो जाता है, कभी बड़ा प्रतिभामय हो जाता है, कभी वो जो है अनेक प्रकार के उत्साह से युक्त होता है, और कभी बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारा विषय मैंने आपको पहले ही आप लोगों के साथ साझा कर लिया था, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। और अगली बात करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड पाली विभाग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से जुड़े हुए हैं, जिनके जो कन्वीनर हैं इस सारे सेमिनार के, वेबिनार के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें, और साथ में जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हैं उनके उनसे भी उनका भी वो अभिनंदन करें। लेकिन उससे पूर्व एक श्लोक जो मैंने यहाँ विशेष रूप से लिखा है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा, और उसके बाद डॉक्टर विशाल जी आपसे चर्चा करेंगे। फलानी ग्रहचारण सूचयन्ति मनीषिणा को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेदसं विना। Those who know astrology can only indicate in a way what will take place in future। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ predictions करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम केवल जानने और समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो किसी को ये लगता हो कि हमें कोई prediction पता लग जाए, हम कुछ भविष्य के बारे में ऐसी टिप्पणियां करते हैं, वो नहीं है, केवल समझने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अदरवाइज हु एल्स एक्सेप्ट द क्रिएटर ब्रह्मा कैन से विद सर्टेनिटी व्हाट विल डेफिनेटली हैपन। तो ज्योतिषी का जो काम है वो समझाना है, बताना है, सूचना देना मात्र है। प्रेडिक्शंस इस तरह से नहीं करनी है कि लोग उस पर विश्वास इस तरह से करने लगें कि वो अपना पुरुषार्थ छोड़ दें। तो इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित किया है कि जिस तरह से इस अथर्ववेदीय ज्योतिषम में प्रश्न किया गया काश्यप जी से, काश्यप जी ने किया ब्रह्मा से कि भाई आप हमें बताएं कि मुहूर्त क्या होता है, रात्रि क्या है, दिन क्या है, सूर्य क्या है, इनकी गतियां क्या हैं, इन सब विषयों के बारे में जब उन्होंने पूछा, तो उसी प्रकार से हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि मन को ये सारे ग्रह नक्षत्र भाव आदि कैसे प्रभावित करते हैं। तो उस सारी चर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर विशाल भारद्वाज जी को कि वो सभी का अभिनंदन और स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज इस जो संस्कृत विषय, संस्कृत शास्त्रीय चिकित्सकीय ज्योतिष शास्त्रीय मनोविषयक मीमांसा विषय को लेकर के जिस वेबिनार का आयोजन आज डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो इनके दिशा निर्देश में सारा ये जो सारा कार्य संपन्न हो रहा है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज चंडीगढ़ और अन्य हरियाणा संस्कृत अकादमी आदि संस्थाओं के सहयोग के साथ आज इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर मुकेश शर्मा जी को जो अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर। तो डॉक्टर साहब आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है, आप अभिनंदन है। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने व्याख्यान के साथ हम सभी लोगों को, समस्त श्रोतागणों को जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तो हमें कृतार्थ करेंगे। वैसे भी जो ज्योतिष, जैसे कि हम सबको पता है कि वेदों का एक प्रमुख अंग है, और मन जो कि जिसके बारे में डॉक्टर साहब पहले भी काफी कुछ बता चुके हैं कि जैसे कहा भी गया सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, तो हमारा सुख दुख जो भी है वो इसी मन के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस विषय को लेकर के बहुत ही जिज्ञासा पूर्ण होते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने व्याख्यान को प्रारंभ कीजिए, और हमारे जितने भी श्रोतागण साथ में जुड़े हुए हैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत है जी इस वेबिनार में। तो बस अब आपसे निवेदन है जी डॉक्टर साहब, आगे देखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इससे पूर्व कि मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर मुकेश शर्मा जी को, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में, दो तीन बातें आपसे मैं साझा करना चाहता हूं, और यूं समझ लीजिए कि जिज्ञासा के रूप में डॉक्टर साहब के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं,
और इस दृष्टि से भी कि हमारी एक पृष्ठभूमि बन जाए कि हम इस सारे विषय को कैसे समझना चाहते हैं और हमारी जिज्ञासाएं क्या है। देखिए, हर व्यक्ति जो है वो एक विशेष समय और स्थान पर उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और जब वो समय और स्थान, टाइम और स्पेस में उत्पन्न हुआ है तो निश्चित रूप से उस वक्त प्लेनेटरी सिचुएशंस क्या हैं, ये जो 9 आपके ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं इधर की ओर, उनकी स्थिति और साथ में राशियों की स्थिति, ये जो आप नीचे देख रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर मेष वृष आदि से लेकर के, उन दोनों के बीच में मनुष्य को शास्त्रीय संदर्भों में, संस्कृत शास्त्रों के संदर्भ में 12 भावों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम भाव, द्वितीय भाव आदि आदि, इस तरह से 12 घर बना करके, 12 भाव बना करके मनुष्य के जितने विविध आयाम है उन सबको इसमें समेट दिया गया है। तो इस सब के बीच में जो हम विशेष रूप से जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मनुष्य का मन वो किस तरह से काम करता है, वो कैसे प्रभावित होता है और कैसे उसका हम कोई समाधान देख सकते हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि इन कारणों से हमारा मन जो है वो विचलित हो रहा है या इस कारण से हम उत्साह में अधिक हैं, तो हम उस तदनुकूल जो है बात को समझते हुए उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, नहीं तो मन ही हमें डोमिनेट करता रहेगा। जबकि होना ये चाहिए कि हम मन को निर्देश दे सकें कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना। इसी बात को मैं एक और रूप से आपसे सरल रूप में साझा करना चाहता हूं। देखिए, वही बात है कि टाइम और स्पेस हमें डिफाइन करता है, और ये 12 भाव हैं, देह धन पराक्रम सुहृद सुत रिपु रोग काम, रिपु और रोग ये एक छठे भाग में होते हैं, काम या गृहस्थ, मृत्यु, भाग्य, कर्म, आय व्यय, ये आपके 12 आयाम हैं, ठीक है, और ये आपकी 12 राशियां हैं। अब इनके बीच में ये जो आपके 9 ग्रह हैं, ये आपके अंतःकरण को प्रभावित करते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप शब्द को ध्यान रखें, अंतःकरण को, क्योंकि उसके बीच में क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय, शेमुषी, धी, मेधा, बहुत सारे 21 के करीब जो है वो शब्द इसके भीतर आ जाते हैं और वो आपका पूरा अंतःकरण बनाते हैं, जिसे आप सामान्य रूप से साइकी कह देते हैं। हालांकि साइकी शब्द का अपना लंबा चौड़ा इतिहास है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस सब को समझने के लिए जो डॉक्टर साहब से हमारा निवेदन रहेगा विशेष रूप से, वो है कि ग्रहों की दृष्टि क्या है, इसको वो विशेष रूप से हमें समझाने की कोशिश करें, और दूसरा उनकी स्थिति क्या है, कौन से घर में, कौन से भाव में है और कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, वो स्थिति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसको हम कैसे समझें। और तीसरा जो पक्ष है वो है युति का पक्ष, युति का मतलब है योग, कि कौन से भाव का कौन से ग्रह के साथ कौन सी राशि में किस तरह से भाव बैठ रहा है, युति हो रही है, और कौन से दो ग्रहों की आपस में युति बैठ रही है और वो कैसे हमें प्रभावित करती है। इन सारे जिज्ञासाओं सहित, इन सारे प्रश्नों सहित हम डॉक्टर साहब के सामने उपस्थित हैं कि वो हमें इस सारे विषय में दिशा निर्देश दे। बाकी कुछ एक बातें हैं जो मैं लेक्चर के बाद आप लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि वो कुछ और किस्म की बातें हैं जहां पर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अन्य विषयों के साथ जोड़कर देखेंगे। अथर्व जी, कृपया अपना माइक ऑफ करें, एक सेकेंड, कृपया इन बातों का, ये बड़ी मूलभूत बातें हैं, इसका ध्यान रखा करें। तो कुल मिलाकर के ये हमारे जिज्ञासाएं हैं, इसको हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें। लगभग अगले 30 मिनट के करीब, 30-35 मिनट वो हमसे चर्चा करेंगे और फिर आप लोगों के प्रश्न हम लेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूं, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन है सर, आपने जो द्वादश भाव दिखाए थे ना, वो वाली आप स्क्रीन इसमें रख लीजिए। अच्छा, ओके 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 ओके, ये वाली, ये बन जाती, ये उचित रहेगी जी। चलिए ठीक है, श्री गुरुभ्यो नमः, नारायण समारंभा, श्री शंकराचार्य प्रेमा, अस्मदाम गुरु पर्यंता, वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा।
सर्वप्रथम आप सभी मनीषियों को मैं सादर वंदन करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर आशुतोष जी ने जो आज का विषय निर्धारित किया है, इस विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा करना और इस चर्चा परिचर्चा के लिए मुझे ये कार्यभार देना, इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली जो है मानता हूँ। और जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रकल्प है, जो हमारी विचारधारा है, उसका निदर्शन हमने अभी जो भाई साहब ने हमें बताया, मन मन के ऊपर जो उद्बोधन ऋषि करते हैं, वो स्वस्थ रहने के लिए बताया कि 100 वर्ष तक जो है मनुष्य स्वस्थ रहे, ऐसी ऐसा उद्बोधन जो है वो ऋषियों ने वेदों में किया। स्वास्थ्य से केवल हम बाहरी स्वास्थ्य नहीं लेते, हम मानसिक स्वास्थ्य भी लेते हैं और हमारा मन और हमारा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। इनका जुड़ाव इतना गहरा है कि यदि हम मानसिक रूप से परेशान हो जाएं, तो उस मानसिक परेशानी का जो प्रभाव है वो कब हमारे शरीर में आ जाता है हमें उसका पता भी नहीं लगता। उसी प्रकार से यदि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कब हम मानसिक रूप से उससे परेशान हो जाएंगे ये भी हम बोध नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, पर हम ये अनुभव करते हैं। और ऐसा है कि ये दोनों स्वस्थ स्वास्थ्य रूपी अगर एक सिक्का है, तो ये दोनों उसके पहलू हैं, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए शास्त्रों के अंदर जितना ध्यान दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, उससे भी कहीं अधिक ध्यान दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। हमारी भारतीय पद्धति के अंदर अगर हमारा प्रतिदिन का अगर आप नियम देखें कि भाई एक व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व ही जग जाना चाहिए और उसका जो रात्रि तक का जो नियम है, यानी जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो सर्वप्रथम नियम बनाया कि भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो ये अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो विधियां हैं वो हमारी जीवन शैली में जुड़ी हुई है। अगर हम प्राचीन जीवन शैली की बात करें तो मन के ऊपर हमारे शास्त्रकारों ने बहुत जोर जो है वो दिया है, उसी प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत जो है इसके महत्व पर चर्चा की गई है और इसको कैसे अच्छा रखा जाए, ये सारी विधियां जो है हमारे शास्त्रों में बताई है। मन की अगर बात करें तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, जो भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया ये श्लोक है, इससे ही हमें मन की महत्ता का पता लग जाता है। मन जो है वो कितना शक्तिशाली है, यदि उसका यदि वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, उसका सदुपयोग किया जाए, तो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। और यदि यही हमारे नियंत्रण में ना आए, हम इसके नियंत्रण में चले जाएं, तो यही हमारे नाश का भी कारण बनता है। यानी देखिए मोक्ष की प्राप्ति भी जो है इसमें इसका बहुत बड़ा इसकी बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। तो जैसा भाई साहब का मुझे निर्देश भी है, मैं अब अपने मुख्य जो है बिंदु पर आ जाता हूँ कि हम अब भारतीय ज्योतिष के दृष्टिकोण से किस प्रकार से हम मन का विचार करते हैं। जैसा आपको ज्ञात ही है कि जो भारतीय परंपरा में सबसे आदरणीय जो वेद हैं, उस वेद रूपी गुरु के 6 अंग हैं और उन 6 अंगों में नेत्रभूत जो है वो ज्योतिष शास्त्र है। अब ये देखें कि हमारे दैनंदिन जीवन में नेत्रों का कितना महत्व है, वही महत्व जो है वेद के दृष्टिकोण से, जीवन के दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र का बनता है। बिना आंखों के देखे हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर सकते, ये बड़ा ही स्पष्ट है। इसके बारे में
जितनी भी बातें की जाएं इसके महत्व के बारे में उतनी ही जो है वो कम हमें लगेंगी। तो उसी प्रकार से जो हमारा हमारे शास्त्र है, हमारा जो जीवन है, तो उस जीवन को हमने देखना है, हमने अपना वर्तमान देखना है, हमने अपना भविष्य देखना है, तो उसके उसके लिए ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब हम विचार करते हैं तो ज्योतिष का मतलब प्रकाश होता है, और जैसे प्रकाश से हम अंधेरे में रखी हुई सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में हम ज्योतिष का प्रयोग करके उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। ज्योतिष को यदि देखा जाए तो उसके तीन मुख्य भाग जो है वो बनते हैं। एक सिद्धांत ज्योतिष है जिसमें ग्रहों की गणना आदि होती है। एक होती है संहिता, जो सिद्धांत ने जो ग्रहों की गणना की है उनका एक सामूहिक जो है देश पर, विदेश पर, किसी खास राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भी बहुत सारे तत्व जो है इसमें आते हैं। संहिता में सामूहिक फलादेश दिया जाता है, और जब व्यक्तिगत फलादेश की बात आती है, किसी एक विशेष व्यक्ति को लेकर के जब कोई फलादेश किया जाता है, उसके बारे में जब कोई बात की जाती है, तो वो जातक के अंतर्गत आता है। तो ज्योतिष शास्त्र का जो हम आज चर्चा करेंगे ये जातक ज्योतिष के अंतर्गत आती है, और जातक ज्योतिष में जब हम किसी भी व्यक्ति के जीवन की बात करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य जो उपकरण होते हैं वो तीन होते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति का जिस समय पर भी जन्म आदि होता है, तद अनुसार उस स्थान का अक्षांश रेखांश लेकर के, समय आदि लेकर के, पंचांग का प्रयोग करके हम वहां पर जन्म कुंडली का निर्माण कर देते हैं। और जन्म कुंडली में तीन मुख्य जो बातें होती हैं, तीन मुख्य जो उपकरण होते हैं जिनका हम विचार करते हैं, उसमें सर्वप्रथम जो है वो ग्रह आते हैं। तो ग्रह जैसे सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो भारतीय ज्योतिष के अंदर इन नवग्रहों का भी विचार किया जाता है। अब दूसरा जो इसमें तत्व आता है वो भाव का तत्व आता है। यदि हम ये जो सामने हमारे स्वरूप बना हुआ है जन्म कुंडली का, इसमें अगर हम देखें तो बिल्कुल ऊपर की ओर जो प्रथम भाव लिखा हुआ है, और अगर हम उसके घड़ी के विपरीत दिशा में चलते चले जाएंगे तो वो द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, तो ये हमारे जो है भाव है। तो भाव को हम हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, घर भी कहते हैं इनको, गृह भी कहते हैं। तो ये हमारे ना निश्चित स्थान होते हैं। जैसे हम समझ लीजिए कि अपने घर में रहते हैं कि हमारा जो घर है वो एक निश्चित स्थान पर है, वो स्थिर है। तो उसी प्रकार से ये जो भाव होते हैं ये स्थिर होते हैं, और भाव जो है इनकी संख्या 12 होती है। प्रथम भाव ये हमारे जन्म का होता है, और हर भाव किसी न किसी विषय को, किसी न किसी विषय को जो है अपने अपने आप में संजो करके रखता है। और प्रथम भाव से लेकर के द्वितीय, तृतीय से होते हुए 12 भाव पर जो है ये इसकी यात्रा जो है वो समापन हो जाती है। और तीसरा उपकरण जो हमारा आता है वो राशि का आता है। राशि जो है वह भी 12 है, और उनका जो संयोजन होता है वो इन 12 भावों में होता है। तो मुख्य ये जो तीन बातें हैं कि हम किसी भी विषय का जो विचार करते हैं जन्म कुंडली के अंदर, तो उन तीन बातों को हम मुख्य रूप से देखते हैं, ग्रह, राशि और भाव। इसमें ये ध्यान देंगे कि जो राशि है, राशि को जब हम जो हमारा 360 अंश का जो भाजक्र होता है उसको जब हम 12 भागों में विभाजित करते हैं तो वो राशियां हो जाती हैं, और उसी को जब हम 27 भागों में विभाजित करते हैं तो वो हमारे नक्षत्र आ जाते हैं। तो राशि के आगे बहुत सारे विभाजन होते हैं। पराशर ज्योतिष के अंदर षोडश वर्गों की भी चर्चा की गई है। तो उसमें 360 अंशों का ये जो हमारा भाचक्र होता है उसकी बहुत सारी सूक्ष्म गणनाएं उसके अंदर होती है। तो राशि का यदि हमने राशि की हमने बात की है तो नक्षत्र भी जो है उसी का सूक्ष्म भाग है। नवमांश कुंडली जो है वो भी उसी का सूक्ष्म भाग है, चाहे वो दशमांश कुंडली हो। तो ये बहुत गहरी
होती हैं अपने आप में और बहुत सूक्ष्म होती हैं, और जो भी व्यक्ति ज्योतिष को जो जानकार है उनको इनके बारे में अच्छी जानकारी होती है। तो चलिए आज हम सामान्य रूप से केवल तीन मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे, ग्रह के ऊपर, भाव के ऊपर और राशि के ऊपर, और कैसे जो है ये हमें मनोविषय ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं। तो अभी आगे चर्चा को बढ़ाने से पूर्व मैं ये सामान्य ऐसी बात जो है एक बार कहना चाहूंगा कि अंतःकरण जो हमारा आज का विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो इस अंतःकरण के चार जो है मुख्य भाग हैं, उनमें एक भाग है मन, एक दूसरा भाग है उसका चित्त, और एक तृतीय भाग उसका है बुद्धि, और एक चतुर्थ उसका जो भाग है वो है अहंकार। तो हमें सर्वप्रथम ये समझ लेना चाहिए कि मन जो है वो क्या करता है, या मन किस ग्रह से चलता है। मन को अगर हम देखेंगे तो वो किस भाव से जो है वो देखेंगे, किस ग्रह से उसको हम प्रभावित मानते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे उसका प्रायोगिक विचार जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आप जानते ही हैं कि जो मनुष्य का जो मन होता है, ये अंतःकरण की जो वृत्ति है, इसका कार्य होता है संकल्प और विकल्प करना। तो संकल्प विकल्प आत्मक जो है वो मन होता है, और आपने एक सुना होगा पुरुष सूक्त के अंदर कि चंद्रमा मनसो जाता है। तो वहां से मतलब मैं कहूं कि ये हमारा ज्योतिष में सूत्र आया है कि जो मन है उसका जो विचार होता है ज्योतिष शास्त्र में वो चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा की स्थिति को जन्म कुंडली में बहुत अच्छे से विचार करके, विश्लेषण करके ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति का जो मन है वो किस प्रकार का है, कैसे उसमें जो है वो संकल्पनाएं जो है होती हैं, किस प्रकार से उसमें जो परिवर्तन आते हैं। अब दूसरी, जब हम बात करें चित्त की, तो चित्त जो है वो चेतना से जुड़ा हुआ है, और इसका जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य आत्मा जगतः, तो वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी जो सूर्य है उसको चित्त का कारक जो है वो माना जाता है। अब मनोवृत्ति का, अंतःकरण की जो वृत्ति है उसका एक भाग होता है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि का कार्य क्या होता है, जो मन संकल्प और विकल्प करता है उसमें जो निश्चयात्मक करने वाला जो तत्व है, निश्चयात्मक करने वाली जो वृत्ति है, उसको हम बुध से जो है प्रभावित मानते हैं। तो बुध ग्रह का जो भी जन्म कुंडली में स्थिति होगी, उसकी राशि आदि के अनुसार, भाव आदि के अनुसार, उससे उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, बुद्धि की वृत्ति का जो है वो पूर्ण रूप से पता लगता है। उसी प्रकार जब हम अहंकार की बात करते हैं, जो अंतःकरण के हमारी जो चतुर्थ जो वृत्ति है अहंकार, तो अहंकार को जो है मंगल ग्रह से जो अभिमानात्मक वृत्ति होती है उसको हम मंगल ग्रह से स्वीकार करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो ये सामान्य रूप से ये अंतःकरण के हमारे जो ये चार वृत्तियां हैं, और इनके जो अलग अलग जो ग्रह जो इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वो ये चार ग्रह मुख्य रूप से होते हैं। और अब हम इसको हम विचार करते हैं, इसका कैसे हमने इसका जो है प्रयोग करना है। कुछ मूलभूत बातें जो हैं वो हमें इससे पहले उन पर चर्चा करनी जो है वो आवश्यक होगी। हमारी जो कुंडली है इसमें ये 12 के 12 भाव जो है वो सामने हमारे हैं। अगर हम पहले भाव को देखते हैं तो पहले भाव से हमें शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव आदि का जो विचार है वो इसमें लिखा गया है। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा प्रथम भाव है वो हमें मूल रूप से ये सब चीजों को देता है। उसी प्रकार कुंडली के जब हम दूसरे भाव की बात करेंगे तो धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी,
इत्यादि विषयों का जो विचार है, असत्य है, सत्य है, दान, जिह्वा, नेत्र, तो इनका जो विचार है वो द्वितीय भाव से किया जाता है। तो इनको हम विस्तार में नहीं जाएंगे। सामान्य रूप से मैंने एक और दो भावों को पढ़ लिया, सामने इसमें ये लिखा ही हुआ है। तो ये संक्षेप में जो है इन भावों से इन इन मुख्य विषयों का विचार किया जाता है। तो ये हमने इसको समझना है सबसे पहले कि यदि हमने एक्सप्लेन करना है व्यक्ति के मन को कि वो कैसा है, उसके अंतःकरण को, तो हमें उससे पहले ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि किस भाव से किन विषयों का विचार किया जाता है। ये हमारे सामने इसमें उपस्थित है, ये विद्यमान ही है। तो इसके बाद बात आती है इन भावों में कौन सी राशि है। तो ये आप जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 जो है वो राशियां होती हैं। उन राशियों के भी अलग अलग गुणधर्म हैं। जैसे 12 हमारी राशियां हैं, सबसे पहली राशि जो है वो मेष है, फिर वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इन 12, ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों का अलग अलग गुणधर्म है। और फिर उसके बाद हमारे 9 के 9 ग्रह हैं, उन राशियों उन ग्रहों के भी अपने अपने कारकत्व हैं। सामान्य रूप से हम बात करते हैं जैसे सूर्य ग्रह है, तो सूर्य जो है वो राजा होता है। केवल एक शब्द से हम समझ लेंगे कि सूर्य ग्रह जो है वो राजा होता है। तो जैसे राजा के गुण होते हैं, उसी प्रकार के गुण जो है वो सूर्य में होते हैं। जो चंद्रमा है वो माता है, तो माता का जो स्वभाव होता है, माता में जो स्नेह होता है, जो पवित्रता होती है, जो प्रेम होता है, वो चंद्रमा में होता है। उसी प्रकार से जो मंगल है, मंगल को हम भाई का भी मानते हैं, मंगल को हम क्रोध भी मानते हैं, मंगल को हम जो है शक्ति भी मानते हैं, पराक्रम भी मानते हैं। तो ऐसे हर ग्रह जो है वो किसी न किसी गुण से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये 3 मुख्य चीजें हैं जिनको हमने मनोवृत्ति के निर्धारण में प्रयोग करना है। अब उसको प्रयोग जो है वो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, केवल एक ग्रह से हम इसको देख लेंगे। बहुत गहराई से जब हम विचार करेंगे तो हमें प्रत्येक भाव का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रत्येक ग्रह का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रत्येक राशि का। परंतु जब हमने इसको प्रारंभ करना है तो हम ग्रह से ले लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो इसमें एक क्रम रहता है उसको देखने का, तो हम सर्वप्रथम जो उसका विचार कर लेते हैं वो ग्रह से करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो अंतःकरण है, उसके हमारे जो 4 पार्ट हैं, उसमें जो सबसे पहला जो हमारा मन है वो चंद्रमा से चलता है। तो अब आप ये देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो प्रथम भाव के अंदर है, तो उसके मन में किस चीज को लेकर के संकल्प विकल्प चलेगा। अपने शरीर को लेकर के संकल्प विकल्प चलेगा, अपने रंग को, अपनी आकृति को, अपने रूप को लेकर के उसमें जो है वो चिंतन जो है वो चलता रहेगा। तो ये एक सामान्य सा नियम है कि हमारा जो चंद्रमा है, जो कि हमारे मनोवृत्ति को दर्शाता है, वो यदि लग्न में बैठ गया तो वो लग्न से हम जिन जिन भी बिंदुओं का विचार करते हैं उन बिंदुओं पर हमारी मनोवृत्ति जो है वो केंद्रित रहेगी। तो ये ग्रह और भाव के प्रयोग से ये चीज हमें स्पष्ट हो जाएगी और ये बहुत ही सटीक काम करती है। ये मतलब निश्चित रूप से काम करती है। इसमें जैसे हम बोलते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो काम करती है। पर उसमें बस हमने गहराई से ये देखना होता है कि सूक्ष्म रूप से चंद्रमा वहां पर है या नहीं है। क्योंकि जब हम ज्यादा अधिक गहराई में जाते हैं, हम किसी की जन्म कुंडली में जब देखते हैं चंद्रमा को, तो कई बार क्या होता है कि चंद्रमा बहुत एक्यूरेसी में जाते हैं तो वो कई बार दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाता है, कई बार वो 12वें घर में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो चीज हमें एक बार जरूर देखनी पड़ती है।
तो ये पहली जो बात होती है वो हमारी यही से आ जाती है कि चंद्रमा हमारा किस घर में बैठा हुआ है। अब देखिए, इस मान लीजिए कोई भी कुंडली होगी, अगर चंद्रमा दशम भाव में चला जाएगा तो उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की रहेगी? तो उसकी मनोवृत्ति जो है राज्य को लेकर के रहेगी, कर्म को लेकर के रहेगी, कारोबार को लेकर के रहेगी, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा राजयोग इन सब को लेकर के रहेगी। और ये बड़ा ही ये नियम जो है बड़ा ही सटीक काम करता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपका मन है, और जो भाव जिसमें वो उपस्थित है उस भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है आपकी मनोवृत्ति बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो नियम है हमने यही देखना होता है इसमें कि हमारा जो चंद्रमा है, जो मनोवृत्ति का जो कारक है, तो वो कहाँ पर बैठा हुआ, किस भाव में बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद जब हमने पूरे अंतःकरण का विचार करना है तो फिर हम सूर्य का भी विचार करेंगे, फिर हम अपनी बुद्धि का कारक जो बुध ग्रह है उसका भी विचार करेंगे और मंगल का भी विचार करेंगे। तो अगर ये समझ लीजिए कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य बुध मंगल जो हमारे पूरे अंतःकरण के सूचक हैं, वो यदि किसी एक ही भाव में बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वो उसी भाव के जो विषय हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमेगा, उसका पूरा का पूरा जीवन जो है वो वहीं पर ही लगेगा। तो ये सामान्य रूप से हमने ग्रह और भाव का हमने इसमें प्रयोग किया, और इससे हमें ये चीजें समझ में आ गई कि इस व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है वो कैसी है। जैसे अब इसमें कोई किसी का चंद्रमा अगर छठे घर में आ जाएगा तो वो उसकी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, वो चिंता करेगा, शत्रुओं के बारे में सोचेगा, बीमारी के बारे में सोचेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब वो उसकी जो मनोवृत्ति है वो उस प्रकार की होगी तो उसका जो चिंतन है वो उसी विषय पे जाएगा, अधिकांश जो उसका जो चिंतन रहेगा वो उसी विषय पर रहेगा। तो सबसे पहला हमने ये इसमें विचार किया। अच्छा, अब देखिए, कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उसके बाद हमें ये विचार करना होता है कि वो वहां पर किस राशि के अंदर बैठा हुआ। ये दूसरा नियम हम इसमें यहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं। पहला नियम जैसे मैंने बताया कि हम ग्रह को ये देखेंगे कि भाई आपका चंद्रमा बैठा किस भाव में है, ये पहला नियम हो गया। फिर उसके बाद वो किस राशि में बैठा हुआ है। अब देखिए, राशियों का भी उसको उसकी मानसिकता को पिन पॉइंट करने के लिए बहुत अच्छा जो है इनका प्रयोग किया जाता है। हमारा जो राशियां होती हैं, 12 जो राशियां हैं, उन 12 राशियों के अलग अलग गुण हैं। जैसे मैंने बात की मेष राशि, अगर हम मेष राशि को लेते हैं तो मेष राशि जो होती है वो उग्र राशि होती है, क्रूर राशि होती है, ये पुरुष राशि मानी जाती है, मंगल की राशि मानी जाती है, और ये मूवमेंट वाली राशि है, चर राशि। अब मैं पुनः से उसी बिंदु पर आ जाता हूं जिस बिंदु से हमने ये प्रायोगिक जो बात है वो प्रारंभ की थी। जैसे किसी का चंद्रमा पहले भाव में है तो उसकी जो मानसिकता है वो अपने स्वयं से जुड़ी रहेगी, अपने शरीर से हो, रंग रूप से हो, वहां से जुड़ी रहेगी। यदि वहां पर मेष राशि आ जाएगी तो मेष राशि क्या होती है, मूवमेंट वाली राशि होती है, वो चलने वाली राशि होती है, तो उसमें मतलब उसकी जो मनोवृत्ति है ना वो उसमें बदलाव आता रहेगा, चंचलता रहेगी उसके अंदर, ठहराव नहीं रहेगा उसके अंदर। अब जैसे हम चंद्रमा लग्न में अगर किसी का है और उससे जो है हम उसका फलादेश करते हैं, तो अब इसमें बताया गया है कि उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो स्वभाव है, अब देखिए उससे उसके स्वभाव को आप कैसे पकड़ सकते हैं। चंद्रमा यदि किसी का लग्न में है तो और फिर वो चर राशि में है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसका जो मन है वो चंचल रहेगा, वो किसी बात पर टिकेगा नहीं, कोई ना कोई विचार जो है वो करता रहेगा, उसके स्वभाव में भी वो चीज परिलक्षित होगी, तो वो किसी भी कार्य में जल्दबाजी करेगा। उसे ये कहा जाएगा कि भाई आपको यहाँ पर बिल्कुल आराम से बैठना है तो वो उसके लिए संभव नहीं होगा, मतलब वो अपने जीवन में परिवर्तन को जो है वो पसंद करते हैं। तो ये मेष राशि के आने से वहां पर ये चीज हो जाएगी। अब देखिए, मेष राशि को मैंने बताया कि मूवमेंट वाली राशि है। अब मेष राशि के अंदर एक गुण होता है, अग्नि तत्व की राशि भी है ये। अग्नि तत्व आप जानते ही हैं कि अग्नि तत्व में उत्साह होता है, ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, तो उसकी जो मानसिकता क्या रहेगी,
कि वो अपने जीवन में ऊपर उठे, नेतृत्व करे, सबसे आगे बढ़े, और वो उसमें उसमें उस चीज के लिए थोड़ी हम कह सकते हैं कि तीव्रता रहेगी उस चीज के लिए। अब हम दूसरी राशि के का एक बार विचार कर लेते हैं। अगर प्रथम भाव में वृष राशि होगी, दो नंबर की राशि होती है ये, तो ये जो राशि होती है इसको स्थिर राशि बोला गया है। जैसे हमने पहली राशि को बोला कि ये मूवमेंट वाली राशि है, चर राशि है, तो ये जो दूसरी राशि है ये स्थिर राशि है। अब उसमें उसका विपरीत होगा, उसकी जो मनोवृत्ति है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई ऐसी हलचल नहीं होगी। वो व्यक्ति कोई भी निर्णय देगा तो बहुत सोच विचार करके लेगा, कोई भी काम करेगा उसको बड़े आराम से करेगा, तसल्ली से करेगा, बिल्कुल स्थिर होकर के वो सब कार्य करेगा। अब अगर उसके बाद तीन नंबर की राशि आती है, वो द्विस्वभाव राशि होती है, तो द्विस्वभाव राशि में कभी तो चर के गुण आते हैं और कभी स्थिर के गुण आते हैं, उसमें दोनों चीजें रहती हैं। अब आप एक चीज एक सूत्र बताता हूँ आपको, बड़ा मतलब ये छोटा सा है, बहुत ही सरल होता है। किसी की जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर है, तीन नंबर की राशि में है, तो हम ये कहेंगे कि जो चंद्रमा है वो द्विस्वभाव राशि में है। तो आप बड़ी सरलता से उसकी मनोवृत्ति के बारे में जान सकते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि मिथुन राशि में आता है तो मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि होती है। अगर ऐसे व्यक्ति की अगर आप स्टडी करेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प जो है वो चलेंगे, वो अपना निर्णय लेने में बड़ी ही कठिनाई अनुभव करेगा, उसको बड़ी ही समस्या होगी। अगर वो किसी कपड़े की दुकान पे चला जाता है तो कौन सा कपड़ा लेगा कौन सा नहीं लेगा, वो उसी में उहा पोहा में तर्क वितर्क में लगा रहेगा। वो कभी भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अपने आप नहीं ले पाते, ये उनकी बहुत बड़ी कमी होती है। तो ये सामान्य रूप से मतलब मैंने इस पर चर्चा की, जो हम मतलब देखते हैं इन सब चीजों को हम, तो इनका जो आधार है वो तो आधार तो शास्त्रीय ही है, क्योंकि बृहत पाराशर होरा शास्त्र है, उसमें सब ग्रहों का कारकत्व लिखा हुआ है, सब राशियों का कारकत्व लिखा हुआ है, सब भावों का कारकत्व लिखा हुआ है। तो उसको हमने प्रयोग कैसे करना है, ये प्रयोग जो है इस प्रकार से करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक भाव में वो चीजें अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने आपको सामान्य प्रथम भाव से संबंधी बताया कि हमने चंद्रमा यदि वहां बैठा हुआ है तो क्या होगा, यदि वो वहां पर चर राशि में बैठ गया है तो क्या होगा, वृष में बैठ गया है तो उसकी कैसी मनोवृत्ति होगी, और द्विस्वभाव में बैठ जाएगा तो कैसी मनोवृत्ति होगी। तो ऐसे वो 12 राशियों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति देता है। अगर हम चंद्रमा को केवल लग्न में मान लें कि लग्न का ही विचार करना है, तो उसमें उसके जो प्रभाव होंगे उसमें वेरिएशन होगा 12 तरह का। और अगर हम उसको और सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो वो नक्षत्रों के आधार पर 27 तरह का हो जाएगा। तो इसमें बड़ी समुद्र की तरह विशालता है इस विषय के अंदर। केवल एक ग्रह तो कहीं पर बैठा हुआ तो वो इतने प्रकार का फल जो है वो दे देता है। तो ये सामान्य सी बात हमने चंद्रमा के बारे में जो है वो की। अच्छा, इसमें फिर हम एक तीसरे नियम को भी पढ़ते हैं। तीसरा नियम ये होता है, केवल तीसरा नियम ये रहेगा कि वो जो चंद्रमा है हमारा उसका वहां पर किस ग्रह के साथ संबंध बन रहा है। अगर उसका संबंध सूर्य के साथ बन रहा है तो उसके अंदर राजाओं जैसी वृत्ति आ जाएगी, उसकी जो मनोवृत्ति होगी वो राजसी होगी। जैसे राजा होता है, राजा का कार्य होता है आदेश देना, तो उसकी जो मनोवृत्ति होगी वो आदेश देने की होगी, आदेश लेने की नहीं होगी। उसी प्रकार से राजा जो है उसका जो रहन सहन होता है, उसका जो खान पान होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल रॉयल होता है। तो ऐसे ही उसकी भी मनोवृत्ति हो जाएगी। और यदि यदि चंद्रमा पर जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो फिर उसमें अग्रेशन, उसमें जो है वो कठोरता, उसके अंदर वो क्रोध, उसके अंदर वो अभिमान, वो इस प्रकार से उसकी वृद्धि हो जाती है। और यदि बुध का प्रभाव पड़ जाता है उसके ऊपर तो बुध के अपने जो गुण होते हैं, बुध के अंदर अपनी जो क्वालिटी होती है वो फिर चंद्रमा को वो ट्रांसफर हो जाती है। तो बुध जो है वो बड़ा ही समझदार ग्रह होता है।
तो ऐसे ही वो उसके मन में वो समझदारी जो है वो आ जाती है, मतलब उनका जो आपस में जो संबंध बन जाता है यदि, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देता है मनोवृत्ति के ऊपर। तो ऐसे ही जब हम अपनी बात करते हैं कि भी व्यक्ति जो है उसकी जो मानसिकता है वो कैसी होगी, अगर ऐसे ही चंद्रमा ग्रह यदि अपने फेवरेबल जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं जो कि चंद्रमा के हिसाब से फेवरेबल होते हैं, तो उनके साथ अगर वो संबंध बना लेता है तो वो भी हमारी जो मनोवृत्ति है वो भी फेवरेबल हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है, उस ग्रह से वो संबंधी हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर वो सूर्य से बनाता है तो सूर्य चंद्रमा में मैत्री है, मंगल के साथ बनाता है तो मंगल के साथ भी उसकी मैत्री है, बृहस्पति के साथ बनाता है उसके साथ भी उसकी मैत्री है। परंतु चंद्रमा यदि राहु के साथ संबंध बना ले तो उसको फिर अच्छा नहीं माना जाता। उसी प्रकार अगर वो शनि के साथ संबंध बना लेता है, केतु के साथ संबंध बना लेता है, शुक्र के साथ संबंध बना लेता है, तो उसमें इस तरीके से परिवर्तन जो है वो आते रहते हैं। तो ये तीन मुख्य जो है हमारे नियम होते हैं जिनके द्वारा हम किसी की मनोवृत्ति का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है, मैं रिपीट कर देता हूं, कि जो ग्रह है वो किस भाव में बैठा हुआ है, वहां पर वो किस राशि में बैठा हुआ है, ये दूसरा है, और उसका वहां पर संबंध किस ग्रह के साथ बन रहा है। तो इन तीन से हम मतलब उसकी मनोवृत्ति के बारे में फलादेश कर सकते हैं, उसका उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि उसकी मनोवृत्ति कैसी है। और अंतःकरण को अगर पूरी तरह से अगर हमने उसके अंतःकरण का अध्ययन करना है, फिर हमें उसके सूर्य को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है। और फिर उसकी बुद्धि कैसी है, उसके लिए हमें बुद्धि का अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर उसमें क्रोध है, अहंकार है, वो कितनी मात्रा में, फिर मंगल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये हमने चर्चा की कि हमारे ये जो नवग्रह हैं ये किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के साथ बैठ करके दृष्ट होकर के। तो इसमें हम भावों से भी उन चीजों का विचार करते हैं। जैसे यदि आप इसमें देखते हैं व्यक्ति का जो स्वभाव है वो प्रथम भाव से देखा जाता है, चतुर्थ भाव से भी जो है उसकी मनोवृत्ति का जो है अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है आप इसमें सामने ये जो हमारे स्वरूप है इसमें अगर हम देखें तो हृदय, हृदय का विचार जो है इससे किया जाता है, और सुख का विचार इससे किया जाता है। तो जो सुख है, सुख की उपलब्धि किससे होती है, वो मन से होती है। तो मनोवृत्ति का अध्ययन जो है वो इस भाव से भी किया जाता है, इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा होगा, कौन सी ग्रह की राशि होगी, और वहां पर किस ग्रह का संबंध होगा। जैसे हमने चंद्रमा से विचार किया, उसी प्रकार से चतुर्थ भाव से भी मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र अपने आप में इसके नियम जो हम प्रारंभ में देखते हैं वो बड़े ही सरल हमें लगते हैं, पर इसमें विशालता जो है वो कितनी है इसका अनुमान लगाना जो है वो बड़ा कठिन है। ये समुद्र की तरह जो है वो विशालता है इसके अंदर। तो ये तो केवल एक जन्म सामान्य कुंडली है जिसका हम विचार करते हैं, परंतु शास्त्रों के अंदर सोना कुंडलियां जो है वो अलग अलग विषय को लेकर के बनती है। जैसे धन संपत्ति के बारे में विचार करने के लिए होरा कुंडली है, भाई बंधुओं के सुख के विचार के लिए दृष्टान कुंडली है, उसी प्रकार सप्तमांश कुंडली जो है वो संतान का विचार उससे किया जाता है, नवमांश से जो है विवाह का विचार किया जाता है। तो सोना कुंडलियां जो है वो अलग से इस प्रकार बनती है। अब इसमें एक विचार और भी आता है कि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो कभी एक जैसी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन जो है वो आते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों का जो कारण है वो क्या होता है, ये जो हम जन्म कुंडली से व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं ये सामान्य होता है, परंतु उसमें कब जो है बदलाव आएगा, किस तरीके का बदलाव आएगा, ये जो बदलाव होता है ये विचार किया जाता है हमारी महादशा से, अंतरदशा से, प्रत्यंतर दशा से। और इस दशा के साथ यदि हम गोचर को ऐड कर देते हैं, गोचर यानी ग्रहों का जो भ्रमण है कि आज किस राशि के ऊपर जो है वो ग्रह का भ्रमण हो रहा है, यदि हम इसको भी इसमें जोड़ देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो उस हमें व्यक्ति की तात्कालिक जो मनोवृत्ति है वो कैसी है उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो
सामान्य अध्ययन हम करते हैं जन्म कुंडली से और उसकी जो वर्तमान में उसकी क्या मनोवृत्ति है, क्योंकि मैंने बताया कि और हम ये सब प्रैक्टिकल बात भी है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। जैसे ग्रह हमारे होते हैं जन्म कुंडली पर, समझ लीजिए कि उस समय आकाश में जो ग्रहों का जो चित्र बना हुआ है हमने उसकी एक फोटो जो है वो क्लिक कर ली तो ये हमारी जन्म कुंडली है, परंतु उसमें क्या होता है कि वो ग्रह क्षण प्रतिक्षण जो है वो अग्रसर होते रहते हैं। तो जब वो अग्रसर होते रहते हैं तो अग्रसर होकर के वो किसी और राशि में प्रवेश करते हैं, किसी और हमारे भाव में प्रवेश करते हैं, किसी और ग्रह को प्रभावित करते हैं, तो वो हमारी मनोवृत्ति में इस प्रकार परिवर्तन करते रहते हैं। तो उसको हम ग्रह गोचर के नाम से बोलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक इसके अतिरिक्त हमारी महादशा अंतर्दशा भी होती है उसके द्वारा भी हम इसका विचार करते हैं। तो अब मैं संक्षेप में ये भी बताना चाहूंगा कि ये नियम, उदाहरण के लिए कि जो चंद्रमा है यदि किसी का वो किसी खराब ग्रह के साथ है, मान लीजिए मंगल ग्रह के साथ है, अब मंगल देखिए मित्र ग्रह भी है उसका, परंतु ग्रहों का अपना स्वभाव भी होता है। अब मंगल में जो है वो क्रोध होता है, मंगल में अभिमान होता है, उसमें पराक्रम होता है, शक्ति होती है, और चंद्रमा में शीतलता होती है। इन दोनों का एलिमेंट तत्व अगर देखा जाए तो वो अलग अलग है। तो मंगल और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल जो है अपने गुणों को चंद्रमा में ट्रांसफर कर देता है, यानी क्रोध जो है व्यक्ति को आता है, तो उस क्रोध को बैलेंस करने के लिए व्यक्ति को जो है वो क्या करना चाहिए। तो उसमें अगर हम ज्योतिष के रेमेडी के हिसाब से देखें तो उस समय हमें चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो जल तत्व का ग्रह माना जाता है, उसमें शीतलता होती है। यदि आप चंद्रमा की जो चांदनी है, कुमुदी है, उसको अगर आप देखें तो वो बड़ी शीतल होती है, परंतु जो मंगल है, मंगल में बड़ी उष्णता होती है, तीव्रता होती है, उग्रता होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, अगर उस समय चंद्रमा को मजबूत किया जाए, तो चंद्रमा है वो कैसे मजबूत होता है, चंद्रमा के लिए ठंडी चीजों का सेवन किया जाता है। अगर चंद्रमंगल से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो अगर वो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएगा तब वो यही कहेगा कि आपका जो पित्त है वो बढ़ा हुआ है, तो वो पित्त को शांत करेगा। और जो चंद्रमा जो जल है उसकी वो वृद्धि करेगा, जैसे वात पित्त कफ तीन तत्व होते हैं हमारे, तो चंद्रमा जो है वो कफ को इंडिकेट करता है, तो वो उसके वो ठंडी चीजें खाने की सलाह देगा और गर्म चीजों से उसको परहेज बताएगा। उसी प्रकार से जब हम ज्योतिष के हिसाब से इसका जब विचार करेंगे तो उसको जैसे ठंडी प्रकृति की होती है चांदी, तो ऐसे व्यक्ति को चांदी के सेवन की भी सलाह दी जाती है, चांदी को धारण करने की भी सलाह दी जाती है, मोती धारण करने की भी सलाह दी जाती है, और उसको व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। अब जैसे चंद्र मंगल का ऐसा प्रभाव है तो मंगलवार के दिन उसको उसको जो है कहा जाएगा, या उसको सोमवार के दिन कहा जाएगा कि आप जो है उसमें फास्ट रखें, तो उससे भी चंद्रमा मजबूत होता है और जल का अधिक सेवन जो है वो करें। और उसमें क्या होता है कि मेडिटेशन का भी उसको रिकमेंडेशन किया जाता है, मंत्र जप का भी उसको रिकमेंडेशन किया जाता है कि आप चंद्रमा से संबंधित जो है मंत्र जप करें। तो जब वो चीजें की जाती हैं तो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है उसमें जो है वो बदलाव आता है। तो बात तो इतना कहकर के मैं समापन करना चाहूंगा और इसके बाद जो कुछ आप कहेंगे प्रश्नोत्तर के रूप में मैं उसे स्वीकार करके यथा सामर्थ्य में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल एक हमें प्राइमरी लेवल से आपने ये सारी बातें हमें समझाने की कोशिश की है और स्पष्ट की है और बिल्कुल स्पष्टतया प्रतिपादित भी की है आपने। और हमें ये भी समझ में आया कि ये जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं ये किस तरह से किस किस ग्रह से प्रभावित होते हैं और फिर उस ग्रह का किस राशि में और किस भाव में से उसका संबंध है, तदनुकूल जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में वो बातें झलकती हैं। तो निश्चित रूप से आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सरलतम शब्दों में हमें ये समझाया, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है, उसके विषय से कोई परिचित नहीं है, लेकिन उन लोगों को आज ये सारी बातें पता लगी होंगी
कि ग्रह भाव और राशियां, हालांकि अभी तक नक्षत्रों की और बाकी सारी बातें नहीं की हैं, लेकिन रेफरेंस उसका डॉक्टर साहब ने दे दिया। तो अब समय है कि हम ये प्रश्नोत्तर ले लें और फिर कुछ एक बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इससे पूर्व एक चीज और, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र जी की बात लेंगे और फिर उसके बाद रविंद्र कुमार गुप्ता जी की। मेंटल हेल्थ को लेकर के अगर आप देखें तो चंद्रमा आपको सीधे सीधे प्रभावित तो करता ही है, और आजकल जिस तरह के ये जो मेडिटेशन कोर्सेज या और कोर्सेज चलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो आप ये देखें आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसे कहते हैं मून बेदिंग बेनिफिट्स, कि चंद्रमा में स्नान करने का, चंद्र किरणों का स्नान करने के जो लाभ हैं, जो कि आपकी क्या लाभ देते हैं, ये डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई ज्योतिषी रिकमेंड कर रहा है, लेकिन ये डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं चंद्रमा के साथ रहने के। एम्ब्रेस योर फुलनेस, हील्स डीप लेयर्स, एनहांसेस पॉजिटिविटी, ETC ETC। लेकिन ये हमारी परंपरा में थे कि आप चंद्रमा के साथ बैठे, आप सूर्य के साथ मित्रता करें, लेकिन वो हम सब ने छोड़ दिया है। अब तो टीवी के साथ और अपने बंद कमरों में हम रह जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें आप लोगों को जो मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं या अन्य कोर्सेज होते हैं इसी तरह के, वहां पर ये सिखाई जाती हैं। और ये जितनी एंजाइटी, डिप्रेशन, हालांकि डॉक्टर साहब के पास समय होता तो इस विषय को और विस्तार पूर्वक बताते कि चंद्रमा की कहाँ स्थिति होने पर, किस राशि में होने पर डिप्रेशन आता है, किस स्थिति में जाने पर जो है वो एंजाइटी होने लगती है, और कैसे जो है वो आपका मन कभी कभी उत्साह में भी आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय की सीमा है और इसलिए हम प्रश्नों को ले लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र जी, नरेंद्र दत्त जी। जी नमस्कार, बहुत ही अच्छा आज का ये विषय रखा गया। मैं थोड़ा सा प्रश्न उसमें से क्या बनता है वो आप थोड़ा समझ लेना, लेकिन मैं थोड़ा टिप्पणी रूप में कुछ इसमें एक दो चीजें जो आपने रखी है मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। जी, एक तो ये है कि हमारे यहाँ एक फिल्मी गीत में आया कि तोरा तोरा मन दर्पण कहलाए, या ये मन बड़ा चंचल है, ऐसा हमारे यहाँ बचपन में हम सुनते हैं। तो मन की भूमिका हमेशा से ही, बचपन से ही हमें जो है उत्सुक करती है। तीसरा, कठोपनिषद में भी मन को लेके बहुत अच्छा वर्णन है, मन को परिभाषित करने का। पिछले दिन चर्चा हुई थी कि मन का कार्य तो संकल्प और विकल्प है, और बुद्धि का कार्य जो है निर्णय करना है। लेकिन जो मन है वो हमारा जो अष्टधा प्रकृति में राजसी जो है भाव इसमें रहता है, बुद्धि वो सात्विक है और अहंकार हमारा तामसिक है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी जो त्रिदोष है उसमें भी भाई ने सात्विक की बात लिखी कि वो जो है सात्विक प्रवृत्ति जो है वो कफ वाली है, और इसी तरह से राजसी जो है वो पित्त है और तामसी जो है वो वात है। और इसी हमारी जो सूर्योदय जो है और सूर्यास्त के बाद के जो 4 घंटे हैं वो सात्विक हैं, और अगले 4 घंटे राजसिक और अगले 4 घंटे तामसिक। ये चीज भी मुझे लगा कि जुड़नी चाहिए साथ में हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम सब अध्ययन से जुड़े हुए हैं और इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आचार्य वर्ग के लोग रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ जो अध्ययन की दृष्टि से जो चंद्रमा का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है वो भी हमारे यहाँ ग्रंथों में इस पे बड़ा अच्छा जो कार्य हुआ है। 3 प्रकार से जो पूरा मास है उसको बांटा हुआ है कि अध्ययन के लिए प्रतिकूल दिन कौन से हैं, अध्ययन के लिए साधारण अनुकूल दिन कौन से, अध्ययन के लिए बहुत उत्तम जो है दिन कौन से हैं। विशेष रूप से अन्य अध्ययन के जो दिन हैं वो शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसी प्रकार से अमावस्या, ये 8 दिन जो है वो बिल्कुल अन्य अध्ययन के बताए गए हैं। अब इसके पीछे का विश्लेषण अलग ढंग से हो सकता है कि उस दौरान में हमने क्या करना है, और मैं एक फिल्मी डायलॉग की बात बार कहता हूं कि भाई हमको जो है कुछ दिनों की जो है एक विंडो मिलती है, उस विंडो में भी हम जो है कम समय में अच्छा कार्य कर सकते हैं, ये हमें मतलब उसमें ध्यान करने वाली बात है। जो अध्ययन के लिए उत्तम जो है दिन है वो शुक्ल पक्ष की जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 3वीं, और इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की जो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी और सप्तमी। लेकिन मनुष्य में भी इस बारे में बहुत सारा कहा गया है कि अनध्ययन, विशेष रूप से एक बात आखिर में कह के अपनी बात मैं समाप्त करूंगा,
कि जैसे हम कोई श्राद्ध का भोजन करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि अगले 24 घंटे तक मतलब दिन और रात्रि तक हमें मन से भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसे जब हमें मतलब वो हो जाता है, ऐसे जो कुछ कारण है ये हमारे से जुड़े हैं, हमारा मन मूड और भाव बनते हैं, ये बात मैं तो जी जी ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन ये थोड़ा विस्तार का विषय है। हाँ, इसमें ये है कि जो सुसाइड वाला भाव आता है वो भी मन में कई बार आ जाता है, वो भी एक पक्ष है, थोड़ा रहता है अगर उस समय कोई और या जो ग्रह वाली बात आपने कही प्राची और वो भी उसमें है, ये भी एक पक्ष है जी। रविंद्र कुमार गुप्ता जी, धन्यवाद आशुतोष जी, मैं तो बहुत ही आभारी हूँ देवात्मा जी का कि बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें मेरी दो तीन जिज्ञासाएं हैं। जी जी, क्या व्यक्ति सप्रयास बिना अपने जीवन में ग्रहों के स्थान को जाने बिना अपने कार्यों को अपनी मनोवृत्ति को बदल सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है अथवा नहीं, नंबर एक। नंबर दो, एक ही राशि के लोगों का व्यवहार अलग अलग क्यों होता है फिर? तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या व्यक्ति की मनोवृत्ति, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता आम आदमी को कि उसकी क्या ग्रह है क्या दिशा, उसको उससे ही निर्धारित होगी, अथवा उस व्यक्ति की समाज में क्या स्थान है, यानी कि उसके आसपास की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक जो वातावरण है क्या उससे अधिक प्रभावित नहीं होता है? क्योंकि मेरा अपना निजी मत है कि ये जो परिस्थितियां हैं पर्यावरण संबंधी सामाजिक जिसको आप मोटे तौर पर कह सकते हैं, वो व्यक्ति को मनोवृत्ति को स्वभाव को अधिक प्रभावित करती हैं बनिस्पत इसके कि उसकी कौन सी ग्रह दिशा क्या नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं होता। और तीसरा अंतिम बात, एक मेरा जीवन का अनुभव रहा है, बहुत से लोग एक ही, और आजकल आप देखते भी हैं कि आप पहले नहीं था हमारे टाइम में, अब ज्यादा है कि जब भी किसी विवाह की बात होती है तो हम पंडितों के पास पहुंच जाते हैं कि जरा देखना लड़का लड़की की ग्रह दिशा मिलती है नहीं मिलती है, गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अब एक कहता है मिलता है, दूसरा कहता नहीं मिलता है, चौथा कहता है इतने गुण मिलते हैं, पांचवा कहता है इतने गुण मिलते हैं, तो ये कैसे निर्धारित होगा कि मेरे कौन सी मेरी वास्तविक ग्रह की दिशा है और दशा है? इससे ज्यादा मेरे को लगता है कि ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो रहा है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छे प्रश्न है डॉक्टर साहब, आप इस पे मुझे लगता है एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करें, बहुत संक्षिप्त सी, क्योंकि फिर कुछ और प्रश्न है। मुकेश जी, आपने अभी अभी आदरणीय महोदय ने ना बातें जो कही है वो बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं जी, हम मतलब प्रयोग में देखते हैं उन सब चीजों को। अच्छा, उसमें पहली बात तो ये होती है कि थोड़ा पास हो जाए, आप माइक के पास हो जाए, नहीं तो आपकी आवाज थोड़ी कम हो जाती है। अभी हम जैसे विचार कर रहे थे और प्रश्न आपने अच्छे किए, मतलब हम देखते हैं ये सब चीजें डेली मतलब हमारे सामने आती हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, उसके फलादेश किया जाता है, तो फलादेश से पहले हमें तीन बिंदुओं को जानना आवश्यक होता है कि उसका उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो किस परिवार में हुआ है, वो किस परिवार का सदस्य है। तो ये वंशानुक्रम की हम सहायता ज्योतिष में लेते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कई सारी बीमारियां गुण स्वभाव हमारे सारे स्थानांतरित होते हैं। तो जैसे विज्ञान में मेडिकल साइंस में उसका प्रयोग किया जाता है कि भाई वो किस वंश में पैदा हुआ है, उसको बीमारियां कहाँ से आ रही हैं, तो मेडिकली देखा जाता है उस चीज को, तो सेम ज्योतिष में भी इस चीज को देखा जाता है। फिर होता है आपका जो वातावरण है उस चीज की भी बिल्कुल स्टडी की जाती है। कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, उसके बारे में जब उसकी मनोवृत्ति जो है वो डेफिनेटली जो है वो वहां से प्रभावित होती है जैसा उसका वातावरण है, उसी प्रकार से कोई भारत में या पाकिस्तान में किसी छोटे से पिछड़े हुए गांव में रह रहा है तो उसकी मनोवृत्ति उस तरीके से होती है, ये बिल्कुल निश्चित है। पर मैं ये कहता हूँ कि उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है ना अमेरिका में हुआ है या वहाँ हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उसके कर्मों का ही परिणाम है वो, ठीक है। तो वो चीज उसमें डेफिनेटली जो है रोल प्ले करती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो ज्योतिष है वो अकेली काम नहीं करती, आपको उसके वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
वो किस वातावरण में रहता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और फिर वो व्यक्ति कर्म के बारे में क्या विचार है, वो व्यक्ति कर्मठ है। क्योंकि ज्योतिष क्या है कि ज्योतिष जो है वो हमें सूचना देती है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। तो बाकी उसमें फिर उसका जैसा भी वातावरण बनता है, जैसा भी जिस भी वंश परंपरा में वो जन्म लेता है, जैसे वो कर्म करता है, वो उनमें परिवर्तन उस प्रकार से आता है। और जो चीजें मैंने आपको ये कही प्रैक्टिकली कि हम इन तीन चीजों को साथ में जोड़ करके ही फलादेश करते हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं संकेत देती हैं हमें, ज्योतिष से भी हमें चीज का संकेत मिलता है। जैसे सूर्य जो है, व्यक्ति जो है अपने पिता से क्या गुण लेता है तो वो सूर्य से चलता है पता, अपनी माता से क्या गुण लिया है उसने वो चंद्रमा से पता लगता है। तो हमारे जो ग्रह होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं उनके सूचक होते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से क्या गुण धर्म जो है वो लेता है। उसी प्रकार उसकी कैसी मित्र मंडली है, कैसा उसका रहन सहन है, तो ये भी हमें कुंडली से पता लगता है। अब आपने जैसे एक बात जो है वो कही इसमें कि जैसे हम देखते हैं कि एक ही राशि वाले व्यक्ति वो अलग अलग होते हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा जन्म का समय होता है, जन्म का जो एग्जैक्ट जो टाइम होता है, उसके आधार पर जो है हम निर्णय करते हैं कि इसकी जो मून साइन है वो कौन सा है, इसकी जो राशि है वो कौन सी है, और उस राशि में भी वो किस भाव में है, वो 12 तरह का फलादेश अलग हो जाएगा। मतलब राशि एक है परंतु भाव जो है बदल गए तो उसकी मनोवृत्ति जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके साथ साथ अगर आप उसको देखेंगे कि उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ ये पता है कि उसका चंद्रमा इस राशि में है, तो वो चीज भी हमें नहीं पता। उसके चंद्रमा पर कौन सा ग्रह दृष्टि दे रहा है हमें ये भी नहीं पता, और फिर उसकी क्या दशा चल रही है। मैं मतलब जब भी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने अंत में ये बात कही कि व्यक्ति की मनोवृत्ति किस समय कैसी रहेगी ये उसकी दशा भी डिसाइड करेगी, उसका गोचर भी डिसाइड करेगा। तो केवल मात्र हम कहें कि इन दोनों व्यक्तियों की एक ही राशि है और उनका स्वभाव गुणधर्म जो है वो अलग अलग है तो वो एक सामान्य सी बात है। जबकि आप उसको गहराई से विचार करेंगे तो आपको उसका कारण पता लग जाएगा, और जब आपको कारण पता लग जाएगा तो फिर आप उस पर गर्व करेंगे कि हाँ ये बात जो है हमारे शास्त्रों की कही है जो बिल्कुल सत्य है। एक बात और आपने मिलान की जो है वो मिलान के बारे में कही थी। तो देखिए आज के समय में क्या है कि जो ज्योतिष है उसके लिए ना एक सिस्टमेटिक जो है कहीं स्टडी नहीं हो रही है, और जो स्टडी हो भी रही है वो भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि भी जो व्यक्ति विश्वविद्यालयों से एमए कर लेते हैं, आचार्य कर लेते हैं ज्योतिष में या पीएचडी कर लेते हैं, मतलब तो उनका जो अध्ययन होता है केवल 10% लोग ही होंगे जो प्रैक्टिकली जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने कोई सिस्टमेटिक स्टडी भी नहीं की है, जो सिस्टमेटिक स्टडी चल रही है वो भी अभी अपूर्ण है, और जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी नहीं की है वो क्या करते होंगे ये आप भी कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें ना अब ज्योतिष में ना इतना इसके अंदर इतने सारे स्कूल ऑफ कोर्स हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं फलादेश करने की। अब किस व्यक्ति ने किसको स्टडी किया होगा, उसने उसको कितना आता है कितना नहीं आता है, उसके आधार पर जो है वो मतलब फलादेश करते हैं। तो एक डॉक्टर मुझे लगता है कि हमें यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लेकिन अगर हम फलादेश में इस वक्त उसके व्याख्या में चले जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। हमारा काम यहाँ पे फलादेश करने का नहीं है, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिष के माध्यम से हम किसी के स्वभाव को समझ सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जिस तरह से कोई साइकोलॉजिस्ट या सोशल साइंसेज के लोग जो हैं वो विश्लेषण करते हैं। तो हम केवल एक वो देखना चाहते हैं, बाकी ये बातें आपसे डॉक्टर साहब जो हैं वो फिर भी चर्चा कर सकते हैं। आप उनके साथ नंबर अपना जरूर साझा कर लें, और विशाल जी कृपया आप वो सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा, और पवन सेठी जी अपना हाथ खड़ा किया है वो अपना प्रश्न कर लें। नमस्कार। नमस्कार, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो जन्म का समय कैसे निर्धारित किया जाएगा, क्या व्यक्ति जब इस संसार में पहली सांस लेता है तब, या जब वो कंसीव किया जाता है वो, क्योंकि यदि हम मानते हैं कि आत्मा की जर्नी है तो ये है कि जिस पल आत्मा ने निर्धारित किया कि मुझे इस गर्भ में जाना है तो जिस पल वो क्रिया हुई तो उसी पल उसका जन्म हो गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि प्रारब्ध की अगर बात की जाती है
यदि अगर हम प्रारब्ध से बंधे हुए हैं तो कर्मों की स्वाधीनता कितनी है? चलिए, ये थोड़ा दार्शनिक प्रश्न हो गया, लेकिन पहले वाला का तो उत्तर आप दे सकते हैं। शास्त्रीय विधान क्या है कि जन्म कब से आप मानेंगे? देखिए, जो ज्योतिष में है दोनों विचारों को ही स्वीकार किया गया है। गर्भाधान लग्न जो है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसका उल्लेख आता है, और जो गर्भाधान के समय की जन्म कुंडली भी वो बहुत कम लोग उससे परिचित है, वो बनाई जाती है और उसका जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर। तो गर्भाधान कुंडली जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। अगर हम शास्त्रीय बात करें, ज्ञान पक्ष की बात करें, उसका मतलब मैंने मुझे कोई प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं है, पर वो ये भी आता है कि जब व्यक्ति का गर्भाधान हुआ है तो उस समय के अनुसार वो उसका जन्म कब होगा उसका भी निर्णय किया जाता है। तो ये ग्रंथों में उल्लिखित है ये बातें, परंतु मैंने कोई प्रैक्टिकल स्टडी हम इसकी नहीं कर पाए क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो गर्भाधान लग्न की भी उसमें चर्चा है, परंतु अधिकांश ज्योतिषी जो है वो जब व्यक्ति माता के गर्भ से अलग होता है उस समय की जन्म कुंडली का ही विचार करते हैं। तो शास्त्रों के अंदर दोनों चीजों की चर्चा है, गर्भाधान लग्न कुंडली की भी है और जन्म कुंडली की भी है। और मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में क्या चीजें प्राप्त की है कि जो व्यक्ति को रोग माता के गर्भ से ही लग जाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म से ही उनको कोई ना कोई दोष होता है, तो उनकी कहीं ना कहीं वो गर्भाधान वाली कुंडली जो है वो काम करती है। हम बहुत देख विचार करते हैं पर उसकी जन्म कुंडली से जो उसको रोग हुए हैं वो कहीं सूचना उनकी नहीं होती। तो फिर मैंने इसमें अपने जो भी समूह में अपने बड़े आदरणीय जो ज्योतिषी है मैंने उनसे बहुत चर्चा विचार किया, तो तब हमारे एक मत जो है हमारा ये हुआ कि भाई जो व्यक्ति की कुंडली होती है गर्भाधान वाली वो कुंडली वहां पर वर्क जो है वो करती है। तो ये दोनों कुंडलियों का जो विश्लेषण है वो अगर व्यक्ति करता है तो वो निश्चित रूप से जो है वो अच्छा है, दोनों का ही प्रयोग है। जी 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 डॉक्टर सर, अभी आपने एक बात कही कि रोग स्वास्थ्य का भी किस परिवार में जन्म हुआ। अब इसके कारण मेरी एक जिज्ञासा है, मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त रहा हूं कि जो लाखों लोगों में ही पाई जाती है एक आधे को, और आज तक मैंने कम से कम 50 से ऊपर डॉक्टरों को दिखा चुका हूं, और सभी डॉक्टरों ने ये कहा कि इस बीमारी का साक्ष पढ़ा हमने जरूर है, साक्षात उदाहरण केवल आप हैं, हमारे जीवन में इस बीमारी का कोई आया ही नहीं, मेरे परिवार में भी कोई नहीं है उस बीमारी का। तो अब इसके लिए उत्तरदायी आप मेरे इस जन्म के कर्मों को मानेंगे, पूर्व जन्मों को मानेंगे, अथवा जिस परिवार में लिया मैंने जन्म उसको तो मानना मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा, कोई और तो किसी को है ही नहीं। तो इसके ऊपर मैं जानना चाह रहा था कि ये जो इस तरह की, या तो हम ये कह रहे हैं कि ये अपवाद है हो सकता है, तो कहाँ इसका रोल आप यहां देखते हैं ग्रह नक्षत्रों का? जैसे जो शास्त्र है उसमें समय के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है, अपेक्षित रहता है उन सब चीजों में, नियमों में परिवर्तन जो है वो अपेक्षित रहता है। तो जैसे मेडिकल साइंस में आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बात कही कि भी हमने इस बीमारी के बारे में सुना है, परंतु उनको उसको व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। तो देखो ज्योतिष में भी इस तरीके की बातें हैं, कुछ चीजें एक्सेप्शन, बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सेप्शन होती हैं ज्योतिष के अंदर। बाकी देखो ज्योतिष में जब हम रोग की बात करते हैं तो छठा भाव जो है रोग के लिए विचार किया जाता है। तो आपका जो ये प्रश्न है रोग के बारे में, तो इसके बारे में जरूर बताने का प्रयास किया जा सकता है कि भी आपका ये रोग जो है वो किस कारण से है। क्योंकि होता तो कर्मों का ही परिणाम है, सब कुछ जो है वो कर्मों का परिणाम है, रोग जो है वो भी कर्मों का ही परिणाम है, परंतु कर्म ने किस चीज को माध्यम बनाया है तो ये माध्यम जो है वो उसमें पकड़ना होता है कि वो आपका आपकी अपनी कमी है या आपके अपने खान पान की कमी है या वो मतलब माता से या पिता से या किस चीज से वो चीज प्राप्त हुई है, इसकी सूचना जो है वो हमें अवश्य जरूर मिल जाती है।
तो ऐसा विचार हम जरूर जो है वो कर सकते हैं कि इस तरह का कारण डॉक्टर मुझे लगता है कि अगर कोई सही ज्योतिषी आपको मिल जाए तो वो आपको ये भी बता पाएगा कि ये कोई बीमारी जो है रोग ये आरंभ कब हुआ, और उसके लिए जो जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो जिसको हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया वो है कि युति स्थिति और दृष्टि क्या है आपके ग्रहों की राशियों की और नक्षत्रों की, उसके आधार पे वो काफी हद तक जो है मुझे लगता है बताया जा सकता है। क्योंकि ऐसे कुछ एक उदाहरण मैंने देखे हैं जहां पर वो पहले प्रिडिक्ट वो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये ऐसे ऐसे होगा और वो उस तदनुसार जो चीजें घटित हुई, ये एक है लेकिन इसको विश्लेषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी दृष्टि ही अगर उतनी सूक्ष्म नहीं होगी तो मुझे लगता है फिर ज्योतिषी तो कुछ नहीं कर सकता, वो दृष्टि उसकी भी उतनी ही सीमित है, लेकिन किया जा सकता है परिभाषित। सर एक मिनट ले रहा हूँ अशोक जी, जिस बीमारी का मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ सर जी जी, यानी कि 30 साल से भी पहले मेरे एक टीचर ने दो मेरे बारे में प्रेडिक्शन की थी जी। एक तो मैं पढ़ूंगा नहीं जी, बीए भी नहीं करूंगा, और दूसरी उसने ये की थी कि 50 साल की उम्र में मेरे को एक बहुत ही गंभीर बीमारी आएगी जिसमें मेरे जीवन को भी खतरा है जी। लेकिन बोली कि मैं ये नहीं बता सकती कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। ओके ओके, उसकी पहली तो गलत हो गई भविष्यवाणी, तभी मैं पढ़ूंगा नहीं, और दूसरी उसकी सही इस दृष्टि से अवश्य हुई कि जो मेरी बीमारी का पता चला वो एग्जैक्ट 50वें साल ही पता चला था। चलो आप 50-50 दे रहे हैं, नहीं लेकिन ये बात नहीं है, ये हमारा इस तरह से देखने का तरीका नहीं है। ये है कि कैसे मतलब जो ज्योतिषी है क्या उसकी दृष्टि कितनी व्यापक और कितनी सूक्ष्म है, इसलिए वो कई प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। हमारा तो काम केवल ये है कि क्या हम इसके माध्यम से कुछ जानकारी ज्यादा हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते, ये ज्यादा विषय है। वो गलत हो सकता है क्योंकि वो अपनी सीमा उसकी होती है, बाकी तो ठीक है। हाँ जी जी भाई साहब, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप रखे हैं जी। जी नरेंद्र जी, एक छोटी सी बात भाई साहब जोड़ रहा था जी आधे मिनट में, कि जो एक बालक है ना वो अपने पिता की तरफ से 14 पीढ़ी और माता की तरफ से 5 पीढ़ी, तो उसका भी शायद असर रहता है। और एक मैं देख रहा हूँ, शायद आप नहीं ध्यान नोटिस कर रहे, हमारे बीच में अरुण उपाध्याय जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर हैं, तो अगर समय हो तो उनसे भी 2 मिनट। हाँ, मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा क्योंकि उनके मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े वो वाकई बड़े प्रभावी थे। रमेश जी भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रमेश वर्मा जी। जी सर, आप दोनों कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर रमेश वर्मा जी। जी सर, प्रोफेसर साहब फिजिक्स के हैं और इनका फिजिक्स और संस्कृत शास्त्रों के ऊपर बड़ा व्यापक और गहन अध्ययन है, और हमने 2 लेक्चर्स भी करवा लिए हैं, अभी 2 बैलेंस हैं, तो सर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। अशोक जी, आपने जैसे शुरू में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण के जो हिस्से हैं उनका बताया है जी, तो मुकेश जी से मेरी ये प्रार्थना है कि क्या हम इसको अलग अलग ग्रहों के अंदर रखें या एक ही ग्रह चंद्रमा के आधारित फैसला करें, ये एक तो क्वेरी है मेरी। ठीक है, ऊपर संक्षेप में जरूर दे देता हूँ। देखिए, जैसे अंतःकरण में जो मन है आपका, जो मन है वो किस तरीके की कल्पनाएं जो है वो करता है, किस तरीके के विचार करता है, जब उसकी बात की जब करेंगे तो फिर निश्चित रूप से मन का कारक जो चंद्रमा है उसी का विचार किया जाएगा, परंतु जहाँ पर निर्णय लेने वाली आपकी जो क्षमता है उसका विचार किया जाएगा, फिर बुध ग्रह का विचार किया जाएगा, तो समन्वित रूप से करना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, कई सारे प्रश्न उन्होंने, मैं उस तरफ ध्यान नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत रुचिकर प्रश्न है और इसको हमें लेना चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार और हृदय, और इसके अतिरिक्त अभी हमारे पास 19 शब्द और हैं जो आपके अंतःकरण की विभिन्न जो जैसे कहेंगे ना फैकल्टीज आयाम आपके भीतर के बताते हैं, और वो अलग अलग ग्रहों से परिभाषित होते हैं, जैसा कि अभी आपने सूर्य का भी बताया, मंगल का भी बताया,
अब जब तक बुद्धि हमारी सूर्य से प्रेरित नहीं होगी, क्योंकि आप गायत्री मंत्र में भी करते हैं, तो उसके संबंधों को जानना और विश्लेषित करना बहुत जरूरी है। मन आपका चंद्रमा से प्रभावित होता है, ये तो, ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, ये चंद्रमा को, ये डॉक्टर्स के द्वारा जो उनके प्रोजेक्शन है वो है। और प्रोफेसर रमेश जी, मैं आपको बताऊं, एक पीजीआई के जो एक डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं यूरोलॉजी के, और वो अपने ऑपरेशंस करने से पहले जो है वो ये जरूर देखते हैं, कुंडली देखते हैं अपने पेशेंट की। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि भाई वो इस तरह का व्यवहार कैसे, आप पीजीआई के डॉक्टर से ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जितने वो सहज थे अपनी मेडिकल साइंस के साथ, उतने ही वो सहज जो हैं वो इसके साथ हैं। और यूरोलॉजी में ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वो इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन ये विषय, एक एक विषय को बड़ा विस्तार पूर्वक लेने की जरूरत है। ये तो बस एक तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि जिसमें हम ये समझ सकें कि हम, हमारे भाव, हमारे जो ग्रह हैं और जो हमारे जो राशियां हैं, उन तीनों के आपस के तालमेल से हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि और इसकी व्यापक अपेक्षा थी कि चित्त और अहंकार पे कैसे फर्क पड़ता है। जैसे चित्त जड़ हो जाता है, राहु केतु अगर आ जाए तो केतु के द्वारा जो बुद्धि की जड़ता आ जाती है, आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो लेकिन वो आपको उपस्थिति नहीं आएगी। तो बहुत सारे हैं तथ्य इसमें, बहुत रुचिकर चीजें हैं, लेकिन वो धीरे 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 चलना पड़ेगा आगे जी। और जी रमेश जी, सर बिल्कुल सही आपने जैसे बोला है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये डिफरेंट जो ग्रह हैं, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि इनके संबंधों से प्रभावित होना है जी। अब संबंध भी पिछले लेक्चर में इन्होंने बताया था कि संबंध भी कई अपना कई प्रकार के होते हैं, दो ग्रह साथ बैठे हैं, देखते हैं जी, एक दूसरे के घरों में हों वगैरह वगैरह। तो ये जैसा अभी आपने बोला कि ये बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही पॉसिबल हुआ है अभी, तो मुझे आशा है कि आगे इस पर और गहरी चर्चा हम कई जैसे सुनने को मिलेगी जी। डेफिनेटली इसको टेकअप करेंगे, क्योंकि ये भी देखने वाला विषय है, और खासतौर पे जब इसको हम साइकोलॉजी के साथ जोड़ करके देखेंगे तो पता लगेगा जी। पवन जी, आप कुछ और, किसी और का कोई विषय है, यदि किसी और का कोई विषय है तो अपनी बात रख सकते हैं, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो। मेरा एक प्रश्न और है कि अभी जैसे कि मुकेश जी ने बोला कि 14 पीढ़ियों तक जो है पिता के जो है गुण या मतलब जो भी है उसको जो कुछ भी मिलता है वो वहां से आता है, और 7 पीढ़ियों तक माँ का आता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर थोड़ा साइंटिफिकली भी देखा जाए तो डीएनए जो है, डीएनए जो किसी भी फैमिली का है वो 7 या 14 पीढ़ियों से नहीं, वो तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है मतलब कि कई सदियों से चला आ रहा है जी। इसलिए कभी कोई रिसेसिव जो है ट्रेट सामने आ जाता है, कभी कोई डोमिनेंट ट्रेट सामने आ जाता है। तो मैं क्योंकि कहीं ना कहीं पर नेचर अपना सिलेक्शन तो कर ही रही है और सिलेक्शन भी कर रही है, और उसके बीच में कहीं ना कहीं जो है मतलब ये भी है कि जैसे बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं तो आप देखिए कि पहले बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे और उसमें से बहुत से मर जाते थे, कि नेचर अपना सिलेक्शन करती, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता था। और अब जो है मतलब कि अब बच्चे कम पैदा होते हैं या ज्यादा पैदा होते हैं और उनके हिसाब से जो है मतलब उनको हम जो है सबको निर्धारण भी कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये पूरा जो इफ ऑल द थिंग्स आर मैन मेड, तो क्या ज्योतिष, और ज्योतिष जो है वो तो सदियों पुराना, मतलब कि मैं तो बोल रहा हूँ युगों पुराना ज्ञान है, तो यदि मैं उसको सामने रखता हूँ तो उसके हिसाब से अब जो परिवर्तन जो नजर आ रहे हैं ये जो है सामाजिक परिवर्तन है या इनको भी परिभाषित कर सकता है भारतीय ज्योतिष? वैसे मुकेश जी आप उत्तर दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि सारे का सारा टाइम स्पेस में डिफाइंड है, तो सारा ज्योतिष उसी पे आधारित है। अब टाइम स्पेस के बीच में अगर आप कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए अगर सवाल रखेंगे तो उसमें परिवर्तन अपेक्षित होंगे। जैसे जीन्स में बहुत सारे डीएनए में चेंजेस आते रहे हैं और कई बार और कई कारण उसमें आते रहे हैं, तो ज्योतिष उनमें से एक कारण है जो केवल टाइम और स्पेस को ध्यान में रखते हुए वो फर्दर सारी की सारी जो है आगे की व्याख्याएं करता है, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता है, बात समझाने की कोशिश करता है।
तो मुझे लगता है कि ये एक विषय है। चीज जो मैं आप लोगों जी सर पवन सेठी जी की बात को ही विस्तार दे के कह रहा हूं मैं, अब तो ये आ गया साइंस इतनी डेवलप हुई है कि एक बच्चे का जन्म किस क्षण होगा वो भी निर्धारित पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। नहीं नहीं वो कर सकते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं निश्चित करिए, लेकिन उसका स्वभाव क्या होगा और वो क्या निकलेगा ये कहना थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है और वो ज्योतिष उसमें सहायक होता है। एक अंतिम बात कह रहा हूँ सर अपनी, एक निवेदन है मेरा, अभी आपने मन अहंकार चित्त की जो बात की है, मैं ये समझता हूँ कि क्यों ना हम पवन सेठी जी की का लाभ उठाते हुए एक लेक्चर उनका इसी विषय पर करवा दीजिए। जी 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 वो इंडियन साइकोलॉजी पे जब हम लेंगे तो उस सारे में चर्चा ये सारी बातें आएंगी। बात को अंतिम दौर में लाते हुए और वहां पर अपनी बात को पूर्ण करने से पहले, पूर्ण विराम देने से पहले, मैं आपके साथ एक दो बातें जो साझा और करना चाहता था और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और ये आप सबके लिए बड़ी रुचिकर है। देखिए होम्योपैथी बायोकेमिक का नाम आप सबने सुना होगा, तो पिछले दिनों जब मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था तो आप ये देखिए कि 12 बायोकेमिक साल्ट्स हैं बायोकेमिक में, होम्योपैथी का एक पार्ट है जिसमें ये 12 साल्ट्स में जो है कैल्केरिया, फ्लोर, कैल्शियम, फॉस्फोरिका, कैल्फॉस, फेरमफॉस, कालीमुर आदि आदि, इनको जब आप देखते हैं तो इनका संबंध आपको जो आपकी राशि है उसके साथ आपको दिखाई देता है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ जितना कि मैंने अपने पिताजी से सीखा समझा इस बात को कि अब जैसे काली मुरियाटिकम है, काली मुर है, काली फॉस है, ये पढ़ने लिखने वाले लोगों की ज्यादा है मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिसिन, आप कॉन्स्टिट्यूएंट उसका पार्ट है ये। तो इसी तरह से ये मेडिसिन और बायोकेमिक साल्ट्स, इनके संबंधों को देखने के लिए अगर आपके पास कोई व्यक्ति हो जो इसको ज्यादा स्पष्ट कर सकता हो तो उसको जरूर मेरे संपर्क में बताएं, मैं उससे संपर्क कर लूंगा। लेकिन ये बड़ी रुचिकर एक विषय है जिसको आप लोग भी देखें समझें और कभी भविष्य में मौका लगा तो इस सारे विषय को लेंगे कि 12 जो बायोकेमिक साल्ट हैं और 12 राशियां ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और ये सारे जो हैं ये टिश्यू साल्ट्स जो हैं इनके ये गुण दोष मोटे मोटे से दिए हुए हैं और हर कोई पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे ये चीजें, ठीक है। और एक अंतिम बात कह के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी को कि केवल ये ही नहीं है ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ 27 नक्षत्रों के अनुसार भोजन में उपलब्ध जो चीजें हैं जो आपको स्वीकार करनी चाहिए, आपकी राशियों के अनुसार जो चीजें आपको स्वीकार करनी चाहिए, आपके जो सूर्य चंद्रमा आपके 9 ग्रहों के अनुसार जो आपको स्वीकार करनी चाहिए ये सारा का सारा वो नक्शा है। तो आप देखें कि कितना सूक्ष्म काम जो है वो भारतीय मेधा ने किया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र ने किया हुआ है कि रोहिणी नक्षत्र का जामुन से संबंध, मृग शीर्ष का खेर के साथ संबंध आदि आदि, ये जो आर्द्रा नक्षत्र है उसका चंदन से संबंध आदि आदि, इतना विस्तार पूर्वक लोगों ने काम कर रखा है लेकिन उसको ठोस रूप में सामने लाना ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है और मुझे लगता है इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगली बार जब हम कोई इस विषय पे लेंगे, जैसा कि हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अभी हमने एक ही पक्ष लिया है वो है मेंटल एस्पेक्ट्स पे, मेंटल इश्यूज पे, लेकिन अभी फिजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं उसके जिनको हमें समय आने पे लेंगे। लेकिन ये दो बातें मैं आप लोगों को सूचना के तौर पे देना चाहता था, एक तो बायोकेमिक सॉल्ट्स का आपकी राशि के साथ आपके ग्रहों के साथ संबंध और दूसरा ये जो भोजन आदि की व्यवस्था है, आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो व्यवस्था है राशि नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार वो हम लोगों को जरूर जाननी चाहिए और अपने कोर्सेज में अगर संभव हो तो उनको हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कोशिश मैंने ये की थी कि बॉटनी के लोगों के साथ मिलके अगर हम इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकें, चाहे 5 नंबर का 10 नंबर का ही, कि जो आयुर्वेदिक बॉटनी के विषय से, लेकिन वो बहुत ज्यादा हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि दूसरों को परस्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर एनीवे ये केवल मैं आपको सूचना देना चाहता था ताकि आप लोगों में एक जिज्ञासा का भाव बना रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी को कि वो
सभी का, आज के मुख्य वक्ता का और बाकी सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज की इस सार्थक परिचर्चा में जो डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए और इस सारे विषय को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सम्मुख उपस्थित किया, तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करते हैं कि इसी प्रकार भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और इस विषयों को हम आगे, इसका विषय का और आगे विस्तार करते जाएंगे आपके माध्यम से। और हमारे जितने प्रतिभागी हैं, जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जिन्होंने इस विषय को बड़े संयम पूर्वक इसको सार्थक परिचर्चा को सुना, उसके साथ इसके संबंध में अपने प्रश्न प्रस्तुत किए, और इन सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष रूप से डॉक्टर आशुतोष जी जो इस सारे कार्य संचालन में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर और जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज चंडीगढ़, इसकी ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। तो किसी और की कोई टिप्पणी? प्रोफेसर रमेश जी का हाथ उठा हुआ है, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, चलिए तो आज की इस वार्ता को हम यहीं पूर्ण करते हैं और अगले विषयों को हम लेंगे और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही हम जरूर टेकअप करेंगे ताकि हम इस विषय को और विस्तार पूर्वक समझ सकें और इसके विस्तार को और गहराई दोनों को हम समझ सकें। तो इन्हीं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर विशाल जी ने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप उस लिंक को भर सकते हैं ताकि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, इसको हम यहीं पे पूर्ण करते हैं आज की परिचर्चा। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, मैडम विशाल जी, अवधेश कौशिक जी, धन्यवाद चंदन लाल गुप्ता जी और सभी साथी। धन्यवाद डॉक्टर पवन जी, नीलम जी, डॉक्टर ज्ञानचंद जी, अनीता छाबड़ा जी मैम, अरुण कुमार उपाध्याय जी। सर आपका विषय मैं 25 के बाद लूंगा,